विधानसभा चुनाव में हरियाणा में करारी मात मिलने के बाद कांग्रेस में बवाल मचा हुआ है, जहां कांग्रेस हाईकमान हार के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने की बात कह रहा है, तो वहीं पर कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता भी इस बात को लेकर खासे खफा हैं कि हाथ आई सत्ता को ठोकर किसने मारी, क्यों मारी और इसके लिए जो कसूरवार हैं उसको सजा मिलनी चाहिए। तीन चेहरों के ऊपर साफ तौर पर उंगली उठाई गई, जिनमें हरियाणा प्रभारी दीपक बावरिया थे, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा थे और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान थे। इसके अलावा हाईकमान के भी दो तीन नेताओं के नाम सवाल के घेरे में आए हैं, लेकिन हरियाणा कांग्रेस से जुड़े हुए तीन नेताओं में से एक त्रिमूर्ति के चेहरे यानी प्रभारी दीपक बावरिया ने हार के लिए जिम्मेदारी ले ली है और ये कबूल कर लिया है कि हार के लिए वो जिम्मेदार हैं और इसलिए वो अपना पद छोड़ना चाहते हैं। जी हाँ, दीपक बावरिया हार के बाद पहली बार क्या बोले हैं, उन्होंने क्या फैसला किया है और राहुल गांधी से क्या बात की है, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को आप जरूर देखिए। दीपक बावरिया ने हरियाणा का प्रभारी बनने के बाद ये दावा किया था कि वो 6 महीने में न सिर्फ हरियाणा कांग्रेस का संगठन बना देंगे बल्कि इसके साथ साथ हरियाणा के तमाम नेताओं को एक मंच पर ले आएंगे, खेमेबाजी को खत्म कर देंगे, लेकिन 1.5 साल तक दीपक बावरिया कुछ भी नहीं कर पाए और इसके विपरीत विधानसभा चुनाव में उनकी खुद की भूमिका भी सवालों के घेरे में आ गई। दीपक बावरिया के बारे में कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और कैप्टन अजय यादव ने साफ तौर पर कहा कि वो भेदभाव की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दीपक बावरिया के रवैये से तंग आकर कांग्रेस की बड़ी कद्दावर नेता किरण चौधरी भी अपनी बेटी श्रुति चौधरी के साथ कांग्रेस को छोड़ गई। अब दीपक बावरिया के ऊपर इस बात का ठिकरा फूटा है कि टिकटों के आवंटन में उन्होंने जिम्मेदारी से अपनी भूमिका नहीं निभाई, उनकी जिम्मेदारी में उनकी कार्यप्रणाली में खोट था और यही वजह रही कि कांग्रेस चुनाव हार गई। दीपक बावरिया चुनाव प्रक्रिया के बीच में ही बीमार हो गए, जाहिर सी बात है कि उनके ऊपर प्रेशर बढ़ा था, उनको प्रेशर के बीच में काम करना पड़ रहा था, उनको मेरिट के आधार पर टिकट देने की बजाय भूपिंदर हुड्डा की तरफ से प्रेशर डालकर अपने मनचाहे लोगों को टिकट दिलवाने का काम करवाया जा रहा था। यही वजह था कि बड़े प्रेशर को बावरिया झेल नहीं पाए और वो टिकटों के फैसले से पहले ही बीमार हो गए। अब दीपक बावरिया ने भी चुनाव परिणाम आने के बाद इस बात को मान लिया है कि हार के लिए जिम्मेदारी उनकी भी बनती है और इसलिए वो अब हरियाणा प्रभारी का पद छोड़ना चाहते हैं। जी हाँ, दीपक बावरिया ने कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी से इस बारे में बात की है और उन्होंने इस बात की पेशकश कर दी है कि वो अब हरियाणा के प्रभारी नहीं बने रहना चाहते, उनकी जगह किसी दूसरे नेता को ये जिम्मेदारी सौंप दी जाए। राहुल गांधी ने इस बारे में पहले ही कहा था कि वो उन नेताओं की पहचान करेंगे जिनकी वजह से पार्टी चुनाव हारी है। राहुल गांधी ने खड़गे के साथ मीटिंग में कहा कि कुछ नेताओं के अहम पार्टी से बड़े हो गए थे, कुछ नेताओं के स्वार्थ पार्टी से बड़े हो गए थे और इसी वजह से पार्टी चुनाव हारी। जाहिर सी बात है, इस करारी हार के लिए दीपक बावरिया की जिम्मेदारी बनती है और इसलिए उन्होंने भी वक्त की नजाकत को समझते हुए सबसे पहले जिम्मेदारी ली है और हार के लिए खुद को जिम्मेदार बताते हुए पद छोड़ने की पेशकश कर दी है। जाहिर सी बात है, दीपक बावरिया को भी इस बात का एहसास है कि अगर वो पद नहीं छोड़ेंगे तो ऐसे में अगले कुछ दिनों में उनकी छुट्टी कर दी जाएगी, इसलिए बेहतर यही है कि पार्टी हाईकमान द्वारा छुट्टी करने से पहले ही इस्तीफे की पेशकश कर दी जाए और हार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली जाए। दीपक बावरिया को जब प्रभारी बनाया गया था तो ये अनुमान लगाया गया था कि वो किसी के प्रेशर में नहीं आएंगे, वो हरियाणा कांग्रेस में 8 साल से लटके हुए संगठन को बनाने का काम करेंगे, वो हरियाणा के तमाम खेमों के नेताओं को एक मंच पर लेके आएंगे और पार्टी को एक साथ चलकर ले जाते हुए मजबूत संगठन के जरिए हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाने का काम अंजाम देंगे। शुरू में दीपक बावरिया की वर्किंग बिल्कुल सही चली, उन्होंने सही निर्णय लेते हुए सभी नेताओं को साथ चलने के लिए रजामंद करने की कोशिश भी की, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता गया वैसे वैसे दीपक बावरिया भूपेंद्र हुड्डा के चंगुल में आते चले गए और वो एक तरह से उनकी रबर स्टैंप बन गए। चुनाव के लिए टिकटों के आवंटन में खास तौर पर उनकी भूमिका सवालों के घेरे में रही और कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि दीपक बावरिया मेरिट के आधार पर टिकट नहीं दे रहे हैं बल्कि भूपिंदर हुड्डा की सिलेक्शन के हिसाब से, भूपिंदर हुड्डा की च्वाइस के हिसाब से टिकटें बांटने का काम कर रहे हैं और यही वजह रही कि कुमारी शैलजा और
रणदीप सुरजेवाला को महज 11 टिकटें दी गई और 72 टिकटें भूपेंद्र हुड्डा को दी गई। यानी एक तरफा कार्रवाई करते हुए भूपेंद्र हुड्डा को पूरी छूट दी गई और उनके खेमे के नेताओं को ही 90% टिकटें दी गई। यही वजह है कि कांग्रेस की हार के बाद अब ठीकरा फूट चुका है और साफ तौर पर कहा जा रहा है इस हार के लिए भूपेंद्र हुड्डा जिम्मेदार हैं, इस हार के लिए दीपक बाबरिया जिम्मेदार हैं और इस हार के लिए उदय भान भी जिम्मेदार हैं, जो खुद का चुनाव भी हार गए हैं। लेकिन अभी तक भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान ने तो हार की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन दीपक बाबरिया ने साफ तौर पर कह दिया कि वो हार की जिम्मेदारी लेते हैं और अब वो इस पद को छोड़ना चाहते हैं, इस पद पर किसी और की नियुक्ति चाहते हैं और राहुल गांधी से उन्होंने अपने आप को मुक्त करने की गुहार लगा दी है, पद छोड़ने की पेशकश कर दी है। आप दीपक बाबरिया की हार की जिम्मेदारी को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। हरियाणा में कांग्रेस की हार के लिए दीपक बाबरिया, हुड्डा और उदय भान में से सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। दीपक बाबरिया की जगह हरियाणा का प्रभारी कौन बनना चाहिए, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।